ओम अज्ञातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वहिवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस टू ऑल प्रभुजीस एंड माताजीस। दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरे कृष्णा। प्रभुजी टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग वेरी स्पेशल इन द सेंस आज जो है 7th ऑफ मे है और 7th ऑफ मे ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से 99% प्रभु टुडे इज अवर वी हैव कंप्लीटिंग वन ईयर ऑफ जूम का जपा का एक साल हमारा आज एनिवर्सरी डे है। हमके एक साल आज खत्म हुआ है। हमने 9th आई स्टिल रिमेम्बर मैंने जो है ना एक संडे क्लास दिया था 9th ऑफ मे को संडे इवनिंग में रामायण के ऊपर दिया था। उस समय भी चैत्र मास का अंत आ रहा था उस समय मैंने दिया था और उसको 2 दिन पहले हमने ये जपा सेशन चालू किया था। सो आई मोर ऑर लेस आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज वी डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि ये चलने वाला है एंड समहाउ कृष्णा हैज सम कॉजलेस मर्सी इन अवर लाइफ और क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सो फ्रॉम विपुल प्रभु टू एवरी वन 4 more days वी स्टार्टेड ऑन 11th ऑफ मे। ओके एनीवे सो नेक्स्ट 11th ऑफ मे इट विल नॉट बी सैटरडे सो एट लेट्स स्टार्ट विद दिस ईयर। I was thinking that today is the day where we completed. So anyway, Prabhu, almost we have completing 1 year of this Zoom Japa. ये Zoom Japa के अंदर जो है प्रभु ये पूरे साल के अंदर हमने जो है खाली 2 दिन मिस किया है। एक दिन था वो जन्माष्टमी के दिन जब जन्माष्टमी में बहुत devotees ने रात को 12 बजे तक उस दिन तो हमने रात को 12 बजे तक जपा चालू रखा था सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक डिवोटीज और मुझे अभी भी याद है रात को 12 बजे मैं और विपुल प्रभु गोपाल गार्डन स्कूल में थे और वहां से हम लोग ने एक छोटा सा क्लास दिया था जूम के अंदर। डिवोटीज रात को 12 बजे तक जपा कर रहे थे तो उस दिन दूसरे दिन हमने सुबह में जपा नहीं रखा था और दूसरे दिन जो है वो 192 राउंड्स जो है हम लोग ने जब अनंत चतुर्दशी के दिन किया था डिवोटीज मिनिमम 21 घंटा बैठ करके 192 राउंड्स किया और आई थिंक मोर देन 60 डिवोटीज जो है उन्होंने तो सुबह में 6 बजे तक जपा कर रहे थे तो हमने ऐसा फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने उस दूसरे दिन जो है हमने जपा नहीं रखा था। सो आउट ऑफ 365 डेज ऑलमोस्ट अभी 11 तारीख को अगर ये बता रहे हैं तो 360 डेज समझ लो 360 डेज के अंदर सिर्फ 2 दिन ही हमने जपा मिस किया है। ऑलमोस्ट 358 डेज एवरी डे इन द मॉर्निंग वी ऑल डिवोटीज हैव सेट टुगेदर and chanted all our rounds. Monday to Friday, 16 rounds and Saturday, Sunday, 32 rounds. Prabhu, I'm saying from the core of my heart, Prabhu, so much indebted to each and every devotee for this. It is you people, aap log ne jo hai itna utsah aur itna umang dikhaya hai, aur uske wajah se jo hai ye program itna successful hua hai. Mujhe pata hai, Prabhu, ki usme hamare group ke andar aise devotees hai, ki jo devotees ne jo hai, Prabhu, ऑलमोस्ट ऑल डेज देयर माइट बी सम एक्सेप्शन एक दो दिन इधर उधर हुआ होगा लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द डेज
देयर अटेंडेड दिस जूम जपा, इतना कमिटमेंट, इतना सिंसेरिटी, इतनी फोकस लाइफ में लगा दिया है उनको। मैं सुबह में जो है ना प्रभु, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सुबह में जब भी जपा में आता हूँ ना, तो मैं जो है ये सब ड्यूटीज को पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ मेरे मन से, क्योंकि ये क्या भगवान ने भेज दिया हमको, किस तरह से ये सब एसोसिएशन हो गया है, आई ऑल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो प्रभु आर सो मच कमिटेड एंड सो मीन सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी, आपकी वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल गया है। आई विल फर्स्ट इन द बिगनिंग, प्रभु आज 5 मिनट थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। तो पहला तो जो है आई वॉन्टेड टू स्पीक, प्रभु जी कितने डिवोटीज का मुझे टेलीफोन आता है, मैसेजेस आते हैं, एंड वॉट आर द डिवोटीज हैव लर्न from this japa, or what is the life that it has, they have changed, their life has been changed because of this japa. Kaise devotees ka jo hai jeevan mein change aa gaya hai ye 1 saal ke japa ke andar, kyunki hum log consistently subah ke time pe ek hi asan mein ek hi sitting ke andar all 16 rounds we complete from Monday to Friday, aur Saturday ko bhi try to chant 32 rounds, aur plus ekadashi mein agar possible hai to devotees aakar ke 64 rounds karte the, निर्जल एकादशी में हमने 21-28 किया, और अनंत चतुर्दशी हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस देखे दिन हमने 92 राउंड्स किया। ये जपा सेशन के अंदर डिवोटीज के लाइफ में क्या चेंजेस आया, आई हैड प्रिपेयर्ड सम 6 पॉइंट्स थे, वो 6 पॉइंट्स में क्या क्या डिवोटीज के लाइफ में चेंज आया। सबसे पहला, ये जो बहुत डिवोटीज ने मेरे को जो है मैसेजेस भेजे है, टेलीफोन कॉल्स किए हैं, तो उसमें से मेरा एक कंक्लूजन आया, प्रभु मेरा 6 चेंजेस दैट हैज कम इन डिवोटीज लाइफ। फर्स्ट चेंज प्रभु, डिवोटीज की लाइफ पूरी डिसिप्लिन हो गई है, वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइफ, राइट टाइम पे उठना, सुबह में मंगल आरती में, मीन सुबह में ही मंगल ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना, एक ही सेशन में जपा करना, इतना डिसिप्लिन लाइफ हो गया। पहला क्या है, दोपहर में 2 सुबह में 4-5 माला, दोपहर में थोड़ी माला, रात को सोते सोते माला, और पूरा दिन सिर पे टेंशन रहता है कि मेरी माला अटक गई है। लेकिन अभी ये जपा सेशन से हम लोग ने कृष्णा को पहली प्रायोरिटी रखा है। सुबह में उठते ही पहला चीज वी हैव डन इट इज चैंटिंग द होली नेम, एंड लाइफ हैज बिकम वेरी डिसिप्लिन। दिस इज द फर्स्ट थिंग, आई डोंट वांट टू डिस्कस टू मच ऑन वन पॉइंट प्रभु। सेकंड पॉइंट प्रभु जी, ये सब जपा की वजह से जो है प्रभु डिवोटीज को जो है प्रैक्टिकली, हमको सबको पता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास होली नेम एंड कृष्णा एंड एवरीथिंग, बट प्रभु प्रैक्टिकली डिवोटी को समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है होली नेम का उनका जीवन के अंदर। वो सुबह के टाइम पे सब 16 माला जपा खत्म हो जाने की वजह से प्रभु जी उनका पूरा दिन इतना इतना ब्लिसफुल, इतना सो है फोकस्ड होता था। उतनी लाइफ के अंदर एंग्जाइटीज, प्रेशर, टेंशन सब आता होने के बावजूद, क्योंकि वो कृष्णा उनके हृदय में पूरा फिक्स हो गया होने की वजह से, पूरा दिन वॉज गोइंग वेरी वेरी ब्लिसफुल वे। And they were understanding कि अभी मैं genuinely मैं devotee बना हुआ हूँ, because they started chanting in the morning. So the second point which I could see it is that people have understood the practically, in practical way, the importance of chanting the holy name. तीसरा जो है प्रभु जी, मुझे ये दिखाई दिया devotees को time management का importance समझ में आया। ये time management जो है शुरुआत में क्या था, कभी भी रात को कभी भी प्रजल पकड़ने बैठ जाते थे, कभी भी जो है कुछ भी बातें करते थे, कोई भी बैठा था तो अल्लाह टल्ला करने लगते थे, ये सब चीज बंद हो गया प्रभु। क्योंकि सबको पता है सुबह में जल्दी उठना है, और अगर सुबह में बराबर उठेंगे नहीं तो ये सब स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से प्रभु जी 5:15 बजे बंद हो जाता है शनिवार रविवार, और वो सुबह में मंडे टू फ्राइडे ऑल्सो 6:30 बजे लॉगिंग बंद हो जाता है, तो एवरीबडी वे नोइंग इट, वी नो द उसके पहले आ जाना पड़ता था। तो उसके वजह से जो है प्रभु जी लोगों की लाइफ जो है ना बहुत जो है व्यवस्थित टाइम मैनेजमेंट हो गए। उनको पता है अगर रात को नींद नहीं हुआ तो सुबह में जपा में अच्छा नहीं रहेगा, फिर पूरा दिन खराब जाएगा। एवरीबडीज लाइफ हैज वेरी मच देव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। चौथा चीज प्रभु, डिवोटीज कितने डिवोटीज के मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि ये जपा सेशन की वजह से उनका फैमिली लाइफ, उनका रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, बच्चों के साथ में रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के साथ में रिलेशनशिप, सोसाइटी के मेंबर्स और कम्युनिटी के साथ में रिलेशनशिप हैज चेंज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ जपा। क्योंकि क्या हुआ है समझ में आ गया, आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द प्रोपराइटर, अननेसेसरी क्या हैंग ऑन कर रहा हूं मैं,
relationship has changed in a very big extent. So many Matajis used to come and Prabhuji's come. Sometimes Prabhuji used to chant and Matajis used to come to tell me, to Prabhuji, because my husband is chanting, our full household atmosphere has changed. So sometimes these are the something, so much special thing that has happened. The fifth thing that has happened because of this japa is, which the devotees have told me is, ye japa ki wajah se jo hai na, devotees ke life mein pehla bahut rigidness thi Prabhu. वो रिजिडनेस नहीं था कि प्रभु जी ये छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही चाहिए. जपा सेशन के वजह से प्रभु जी उनके माइंड के अंदर एक बहुत हैवी टेस्ट आ जाने के वजह से, परम दृष्टवाणी वर्तते, एक हायर टेस्ट आ जाने के वजह से वो लेट गो करने की आदत अच्छी लग गई. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, घर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑफिस में प्रॉब्लम हो गया, तो लेट गो कर दे. दूसरे लोग खुश रहते हैं, लेट गो, नो प्रॉब्लम, लेट मी गेट. ये जपा की वजह से आया. एंड द सिक्स्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी इज दैट डिवोटी को समझ में आ गया जपा सेशन से कि उनका गोल ऑफ लाइफ क्या है, उनका फोकस किस तरह से होना चाहिए, उनकी लाइफ में जो है किस तरह से उनका ढांचा बच जाना चाहिए, और उनकी लाइफ कितनी तरह से फोकस होकर के जिंदगी आगे निकलनी, कहां पर भी डाइवर्जन नहीं चाहिए. और वो गोल है, कोई भी हालत में मुझे ये जन्म जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकल जाना है. आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ. मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है. मैंने ये दुनिया देख लिया, मैं पक गया इधर. ये अनुभव होने लगा जपा की वजह से. प्रभु जपा हैज रियली हेल्प सो मच. ये जीवन के अंदर फोकस हो गया. प्रभु हम पहले डिवोटीज थे, ऐसा मत समझना कि हमने डिवोटी नहीं थे. बहुत डिवोटी तो ऑलरेडी दीक्षित है. मैनी डिवोटीज वर ऑलरेडी इनिशिएटेड, दे वर ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस, ऑल फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग. लेकिन दिस जपा सेशन हैज मेड देम कंप्लीटली फोकस्ड. तुम्हारा जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए, तुम्हारा जिंदगी की लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, तुम्हारा जिंदगी का ढांचा किस तरह से होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द सिक्स पॉइंट्स दैट हैज हेल्प्ड. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स आल्सो. मुझे लगा ये छह पॉइंट्स जो है that has really helped the devotees. Going ahead, Prabhuji, I have seen it, Prabhu. And first of all, I have to say, I'm so much indebted to each and every devotee, Prabhu. This japa session, Prabhu, has given so much nourishment to my life also. I'm so much indebted. Subah mein, jab bhi main aata hun japa mein, aur jab bhi main chanting karne baithta hun, aur sab devotees ko dekhta hun, I could see devotees are really struggling, Prabhu. सब अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माइंड के साइड में फाइट दे रहे हैं. उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि वो कृष्णा से बैक कर रहे हैं, कृष्णा से डेस्परेशन से कृष्णा से याचना कर रहे हैं, कृष्णा मुझे बचा लो. दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु. हेल्पलेस एंड होपलेसनेस एंड कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा. एंड आई कुड सी, आई वॉज वॉचिंग मेनी डिवोटीज एम लॉस एवरी डे. और मैं सबको डिवोटी को हृदय से प्रणाम करके फिर मैं जपा चालू करता हूँ. So Prabhu, I could see it, how much devotees were completely focused. I have said many things, Prabhuji. Like maine pehle bhi bataya, there are so many devotees who have maintained almost full year. Unhone hardly koi din miss kiya hai. Aise bhi devotees maine dekhe Prabhuji, ki wo devotees jo hai, agar wo ghar pe nahi hai, wo traveling bhi kar rahe hai. To traveling mein bhi wo YouTube, or wo jo hai, wo mobile laga karke wo Zoom mein connect kar lete the. Traveling, I have seen it, devotees in train, devotees in bus, भी रहते हैं वो जो है devotees वो connection लगा लेते हैं. They were so much serious about it, प्रभु जी. वहां तक मैंने देखा प्रभु जी के devotees जो है अगर वो धाम में भी गए, वृंदावन पे मायापुर भी गए, तो वहां पे भी जो है वो हमारे Zoom के साथ में connect हो जाते थे. I was seeing how much they are so much serious about it, how much they have shown their commitment and dedication into that. In fact, in many Matajis, I have seen it, Prabhuji. Matajis bhi hai, subah mein japa karne ke liye. I have seen many of the Matajis, Prabhuji. Wo log apna cooking pehle kar leti thi. Kyunki wo subah mein unko, unke family members, because this is everyday's business now. To wo subah ke time pe jo hai, apna japa maintain karne ke liye, they used to chant, they used to complete all their household activities, prasad banana, wo sab chit khatam karke, humare saath mein japa karne baithti thi. So Prabhu, all these things make me understand, wow, this is such a wonderful thing. I can tell you, COVID jo hai na Prabhu, COVID has become a blessing. Itne achhe devotees ko jo hum mil nahi pate, specifically main to mil nahi pa sakta tha. Itne sundar devotees ne humko sabko saath mein mila liya. Aur result bhi, we are watching it Prabhu, kitne devotees ne apne life ke andar roz subah mein brahma muhurt mein uthte the hum log.
3:30 बजे कौन उठता था प्रभु जी? मैं तो, मेरा तो बता सकता हूँ प्रभु, मैं तो कॉलेज डेज के अंदर में 9:30 बजे के पहले उठता ही नहीं था। ये क्या लाइफ चेंज हो गई है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस्ड एंड अ गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। नाउ आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स प्रभु, आई वुड लाइक टू कॉशन यू। द कॉशनिंग इज दिस, जो है मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ प्रभु, कि माया ने जो है अभी देख लिया कि वी हैव लिटिल बिट बाय कृष्णास मर्सी एंड द एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, हमको थोड़ा टेस्ट हरिनाम का आ रहा है। और ये हरिनाम का टेस्ट आ जाने से प्रभु जी, माया विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू टेक अस आउट फ्रॉम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। क्योंकि माया को एक चीज पक्का पता है कि अगर कोई भी भक्त को जो है हरिनाम का टेस्ट आने का चालू हो गया ना, तो उसने ऑलमोस्ट, उसने अपनी मटेरियल लाइफ की बैटल जो है ना ऑलमोस्ट जीत लिया है। तो प्रभु माया विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कहते हैं कि दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, कि एक तो हरिनाम और एक वैष्णव सेवा। और जो भी भक्त उसने ये बहुत सीरियसली लिया ना, तो उसकी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। और माया विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू ब्रेक अस आउट। तो प्रभु, आई हैव डिसाइड, आई थॉट ऑफ इट, देयर आर 4 मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी विल बी कमिंग इन अवर लाइफ बिकॉज वी हैव टेकन चैंटिंग वेरी सीरियसली। और वो जो 4 प्रॉब्लम्स जो आएंगे हमारे जीवन में, उसका काउंटरैक्ट कैसा करना, दैट वी विल डिसाइडेड ऑन, बिकॉज दिस इज नाउ प्रभु जी बाय कृष्णास मर्सी वी हैव लिटिल बिट गॉट अ टेस्ट। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट, आई एम टेलिंग यू प्रभु, ये छोड़ना मत, प्लीज छोड़ना मत। आई एम सेइंग यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने थोड़े फटके भी अच्छे खाए हैं, मैंने लाइफ 0 से चालू किया है, मैंने दुनिया के अप्स एंड डाउन सब देखा है। जप्पा ने जो है इतना स्टेबिलिटी भक्तों को दे देता है, और वो स्टेबिलिटी की वजह से जो है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु जी परम दृष्टवाणी वर्तते, एक हायर टेस्ट आने की वजह से उसकी लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन आएगा ना, ही बी एबल टू मैनेज इट आउट। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, इसको अभी छोड़ना मत। ये आपको है ना एक पारस मणि मिल गया है प्रभु, इनफैक्ट आई वुड से इट इज मच मोर हायर देन पारस। पारस मणि तो एक मटेरियल चीज है प्रभु, वो मरते वक्त तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु बहुत हायर देन द पारस मणि आपको मिला हुआ है, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज इट आउट। नाउ व्हाट आर द 4 प्रॉब्लम्स दैट विल बी कमिंग? पहला प्रॉब्लम दैट विल बी कमिंग इन योर लाइफ, एंड ये सबके लिए आने वाला है प्रभु, प्लीज बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड। और ये जब प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन क्या है, दैट ऑल्सो समवॉट आई थॉट ऑफ इट। तो वो जो है प्रभु, वो सब प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? पहला प्रॉब्लम प्रभु हमारे डिवोटीज के जीवन में आएगा, बहुत हम स्टेडीली रोज रोज जपा कर रहे ना, हो सकता है प्रभु आपके लाइफ में अंदर मोनोटोनसनेस आएगा। मोनोटोनस यानी अभी क्या रोज करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहने का, क्या इसका कुछ नहीं है, ये सब पक गया, अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। रोज सुबह में सब हरे कृष्णा करते रहते, क्या वही नाम घुटते रहने का, क्या इसी तरह से चलता रहता है क्या, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए मुझे, ये एक थॉट आएगा, मोनोटोनसनेस होने लगेगा, क्या वही चीज सुबह में उठो और वही माला लेके बैठो, वही जो तिलक करके बैठो और वो भी वीडियो चालू रखने का, एवरीबडी इज वॉचिंग मी, दिस, वो एक जो है थॉट आएगा कभी, आई वॉन्ट सम चेंज, नाउ दिस इज बिकमिंग टू मच फॉर प्रभु, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम, क्योंकि वी आर ए कंडीशन सोल। और हमारा एक मेंटालिटी होती है हमको सब चेंज करते रहने का, और ये जपा में भी वही मेंटालिटी लेकर के आ जाए, और दिस व्हेन इट विल कम, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर प्रभु। नाउ हाउ टू ओवरकम इट आउट, मैंने ये प्रश्न राधानाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज को पूछा कि महाराज ये मोनोटोनसनेस को कैसे निकाले, क्योंकि कंडीशन सोल है, हमको सब चीज नई चाहिए। आप देखना प्रभु जी, हर एक चीज के अंदर नया चाहिए। अभी ये मोबाइल हम लोग लिए, मोबाइल बेसिकली मोबाइल क्या काम है, खाली टेलीफोन में करना और बात करना और मैसेज किसी को टेलीफोन करना, या तो हम किसी का टेलीफोन हमको आते हैं या हम किसी को टेलीफोन करते, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल। बट पीपल वांट सम न्यू थिंग्स। अभी मोबाइल में ऐसा हो गया प्रभु जी, अभी टेलीफोन करना और रिसीव करना वो एकदम सेकेंडरी हो गया, दूसरा सब चीज प्राइमरी हो गया। इंटरनेट में फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड ये ट्विटर सब आ गया उसके अंदर। क्यों? पीपल वॉन्ट चेंज। उसकी जैसा ही अपने को जो है हरिनाम में हो जाएगा प्रभु, आई वॉन्ट समथिंग चेंज, और वो चेंज के अंदर जो है ना प्रभु, वी विल बी डूइंग समथिंग एल्स। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक समथिंग, बट विच आई विल बी स्पीकिंग समटाइम्स एल्स, दैट वी आर डूइंग लिटिल बिट रॉन्ग। हम जो है थोड़ा बहुत वी आर डूइंग समथिंग विच वी विल डिसिप्लिन अवर लाइफ एट द राइट टाइम,
But I have to say that we are doing something wrong, which will come on the track after some point of time. Today I won't speak. Abhi, how to come out of this monotonous voice? Radhanath Maharaj ko maine prashna pucha to Maharaj ek bahut sundar jawab diya, which I would rather request everybody to hear it very seriously and try to implement in their life, Prabhu. Maharaj ne mujhe bataya ke there is no difference between Krishna and Krishna's holy name. This we have to understand from the very beginning when we are chanting the holy name. Phir, when you are chanting the holy name, you have to give your heart into it, Prabhu. Krishna, please take care of me. This material world is a miserable place. Mera unearth, meri conditioning, mera habits, mujhe hamesha haunt karta rehta hai. Aur Jappa ke siva mera koi asra hi nahi hai. Agar main thoda bhi dhila hua, thoda bhi maine monotonousness chalu kar diya, to ye sab cheez mujhe maar dega. मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं एक भूल कर दूंगा, वो एक भूल की वजह से मेरे को पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा. आई वॉन्ट योर मर्सी, आई कैनॉट सर्वाइव इन दिस मटेरियल विदाउट योर मर्सी. इन दैट कॉन्शियसनेस एज एन व्हेन यू चांट एवरी डे, प्रभु हरिनाम विल रेसिप्रोकेट इट. द मोर यू गिव टू होली नेम रेसिप्रोकेट्स इट, एंड द लेस यू गिव टू द होली नेम, ये यथा मा प्रपद्यते, होली नेम विल ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग यू अकॉर्डिंगली. आप जे कॉन्शियसनेस के साथ में जब आप जपा करोगे ना प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट इट एंड दैट मोनोटोनसनेस विल नॉट कम. सो द फर्स्ट थिंग टू ओवरकम मोनोटोनसनेस, गिव योर हार्ट एंड सोल इन चैंटिंग द होली नेम एंड होली नेम विल रेसिप्रोकेट. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णास होली नेम विल रेसिप्रोकेट इट. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन. सेकंड थिंग, द माया दूसरा ट्रैप कैसा मारेगी हमको, हमारा लाइफ के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कोई जो है प्रभु फैमिली के अंदर कोई मेजर क्राइसिस आ गई, या जॉब के अंदर कोई डेडलाइन आ गया है, ऐसा कुछ ना कुछ मेजर कुछ अपना जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया, रिलेटिव हॉस्पिटलाइज हो गया और आपको बहुत टाइम देना पड़ रहा है, समथिंग और अदर विल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी प्रभु, और आप दूसरे तीन दिन कंसिस्टेंटली जपा में नहीं आओगे बिकॉज ऑफ दैट रीजन, नॉट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू कम, आप नहीं आओगे. और फिर सब तीन चार दिन के बाद में सब नॉर्मल हो जाने के बाद में फिर आपको बोलेगा अभी तो सब बराबर हो गया, अभी आप जपा में आ जाओ. आपको भी लगेगा अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह मुझे जपा में आना है. प्रभु एट दैट टाइम अगर आपके अंदर उतना उत्साह और उमंग नहीं रहेगा जपा में आने के लिए, क्योंकि तीन चार दिन गया ना, भक्तों का संग चला गया है, जपा नहीं आया हुआ है बराबर एटेंटिवली, क्योंकि ये सब धांधल धमाल में थे आप प्रभु, वो चौथा दिन में अंदर आपने अगर बराबर जपा के अंदर उत्साह नहीं दिखाया, समझ लेना माया ने आपको ट्रैप कर लिया. दिस इज नॉर्मली दैट हैपेंस टू ईच एंड एवरी डिवोटी. आपके हृदय के अंदर अंदर से ही पहले से झंकना होती जानी चाहिए, मेरा दो दिन गया है, मेरा तीन दिन गया है, अगर मैं नहीं आऊंगी तो मैं नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, मैं बर्बाद हो जाने वाला हूं, मैं बर्बाद होने वाली हूं. इतना उत्साह के साथ में आपको वापिस आना है, और वो अगर आपने उत्साह नहीं दिखाया ना प्रभु, प्रभु माया हैज ट्रैप्ड यू, एंड दिस इज व्हाट अ मेजर प्रॉब्लम दैट कम्स अप. तीन चार दिन को प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, प्रभु जपा इज नॉट ए प्रोग्राम, धोपा इज नॉट अ सेशन वेयर दो चार दिन चार पांच दिन आप छोड़ दिया और आप वापस नॉर्मल हो सकते हो. नो प्रभु जी, वो इतना बार का फोर्स, माया का फोर्स, आउटसाइड एनर्जी, अनर्थ, वो हमेशा हमको फाइट मारता ही रहेगा, फाइट मारता ही रहेगा, और हमको उसके सामने कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तभी जो है ना प्रभु कृष्ण एक हायर टेस्ट देंगे, और वो हायर टेस्ट आपको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ऊंचा पोजीशन देता है, लेकिन उसके पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. और वो कीमत ये है, तीन चार दिन में माया हमको थोड़ा ढीला, कोई भी आउटसाइड एक्टिविटीज की वजह से फंस गए हम लोग, उसके बाद में जैसा नॉर्मल हो गया हम आना चाहेंगे ना, उस समय आपको बहुत उत्साह, उमंग, कमिटमेंट, सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी. अगर उसमें आपने ढीला हो गया ना प्रभु, यू आर आउट. आप देखो ना प्रभु, हमारा अपने टेलीग्राम के अंदर मैं देख रहा हूँ प्रभु, हमारा जो नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे का टेलीग्राम के अंदर देयर आर मोर देन 700 डिवोटीज हु आर सब्सक्राइब, बट आते हैं 150 से 200 लोग आते हैं. क्यों? बिकॉज उनका बेचारे का कसूर नहीं है, उनको उस समय जो माया ने ट्रैप, जो कोई एक्सटर्नल सिचुएशन में 2-3 दिन वो डिले हो गए और फिर उनको वापस आना था, प्रभु दे कुड नॉट कम, दैट फोर्स कंप्लीटली, वो फिर डिले हो जाने के बाद में डिले हो जाते हैं, और फिर प्रभु आपको आना भी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा तुमको पकड़ लेता है, आप आ ही नहीं सकते हो, और आप खींचे जाते हो, और फिर थोड़े समय के बाद में होता है कि मैं पहले करता था, अभी मैं कर ही नहीं सकता.
प्रभु दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम हैपेंस। आप देखो प्रभु इवन देखा ये 64 राउंड्स और 32 राउंड्स के अंदर भी देयर आर मोर देन 200 डिवोटीज हु आर सब्सक्राइब, बट प्रभु जो ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे ना प्रभु डिवोटीज जो है 60-70 डिवोटीज के आसपास जो है जूम में आते हैं और 40-50 डिवोटी उधर आते हैं वो अपना यूट्यूब में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु वो जो है ना वो अपने को पकड़ लेता है और वो पकड़ लेने के बाद में प्रभु यू हैव टू शो योर एंथुसियाज्म। अगर वो एंथुसियाज्म उस समय में नहीं दिखाया यू आर आउट। नाउ हाउ टू काउंटरैक्ट आउट, उसको कैसा काउंटरैक्ट करें? यह तो भी प्रैक्टिकल ना प्रभु, ये दुनिया में भी जीना है और जपा का भी टेस्ट मेंटेन करना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रभु मेरा सजेशन आपको ये है, टेक सम सीरियस कमिटमेंट इन योर जपा कि एटलीस्ट हफ्ते में मैं 5 दिन 6 दिन जो भी आपको ठीक लगे उतना मैं जपा में आऊंगा ही या आऊंगी ही, और अगर मैंने नहीं आया ड्यू टू सम दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन देन आई विल डू सम ऑस्टेरिटी इन माई लाइफ। और मैं वो ऑस्टेरिटी प्रभु जी थोड़ी सीनियर होनी चाहिए, वो सीनियर ऐसे होनी चाहिए प्रभु कि आप उसका विचार करते हो ना तो भी आपको एकदम घबराहट होती है और आप आकर के बैठ जाते हो जपा में, क्योंकि ये माइंड रास्कल है प्रभु, ये माइंड रास्कल है, ये 1000 एवेन्यूज और 1000 ऑप्शन देता रहेगा, उसको ठिकाने लाने के लिए थोड़ा परीक्षा देने पर थोड़ा उसका लकड़ी लगाना पड़ेगा। और ये है ना शुरुआत का टाइम है प्रभु, फिर बाद में आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना प्रभु, हरिनाम का इतना टेस्ट आ जाता है ना, यू गेट सो मच टेस्ट फ्रॉम विदिन, परम दृष्टवानी वर्तते, वो हायर टेस्ट आ जाने की वजह से प्रभु यू विल बी एबल टू डू इट वेरी रेगुलरली। मैंने ऐसे डिवोटीज देखा है वो रात को 11 बजे 12 बजे भी सोते तो भी 3 बजे उठ करके फर्स्ट क्लास जपा करते, इतना अटेंटिव करते कि जाने उसने 8 घंटे का नींद ले लिया ऐसा, और 5 बजे 16 माला खत्म होने के बाद वापिस सो भी जाते। दिस आई हैव सीन इट इन सो मेनी डिवोटीज बिकॉज दे हैव रियली डेवलप्ड दैट टेस्ट प्रभु। तो प्रभु दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट माया विल डेफिनेटली ट्रैप अस, और मैं देख रहा हूँ दिस इज द मेजर रीजन व्हाई डिवोटीज आर कुडंट कीप अप। ऐसा नहीं है दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट सिंसियर, बट वो जो फोर्स है ना इतना जोरदार फोर्स आता है और वो फोर्स को आउट काउंटरैक्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। फॉर दिस द सॉल्यूशन इज टेक सम कमिटमेंट एंड दैट कमिटमेंट विल इट विल लाइक ए गाइडिंग फोर्स आपको खींचते आ जाएगा, और अच्छा भक्तों का संग रहेगा आपके साथ में, अच्छे भक्तों रहेंगे जो आपको उत्साह देते रहे, और वील बी वेरी शॉर्टली वील बी स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ पीपल प्रभु, हम डिवोटीज को कॉन्टेक्ट करते जाएंगे प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो एक प्रेशर और फोर्स की वजह से भी दे विल कम एंड जॉइन अस। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट द माया विल ट्रैप अस। तीसरा प्रॉब्लम जो है दैट विल बी कमिंग अप इज प्रभु योर फैमिली मेंबर्स विल टेल यू अभी बहुत हो गया, बहुत जपा कर रहे हो, अभी थोड़ा लाइफ बराबर करो, इस तरह से नहीं चल सकता है। There will be lots of pressure coming from the family members, parents हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके spouse हो गए, they will be definitely telling you प्रभु that please be both हो गया। प्रभु we have to see to it that you don't become arrogant, you don't become heavy, अगर house का atmosphere पूरा बिगड़ जाएगा। प्रभु today I'll be speaking some 10-15 minutes more. I also have to go to GV, but I'll speak and then go. So, probably there'll be lots of pressure coming. Us samay, Prabhu, you have to be very cordial, very soft-spoken, but you should be very committed from within. You should have so much strong determination. Aapke andar se itni dhadka honi chahiye. Hell or a heaven, japa ko compromise nahi karunga. Ye nahi karungi. And this can be possible only and only, Prabhu, aap aapka past life dekho. कितना एक गधे के जैसे एक किस तरह से हमारा लाइफ था प्रभु जी, इतना दुर्दैव लाइफ था प्रभु, हम विचार करते तो भूल जाते थे, बाप रे मैं ऐसा जीता था, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं, किसी तरह से ऐसा ही जाता रहता था। जपा ने मेरी सब चीज कितनी डिसिप्लिन कर लिया, पहले मैं क्या था और अभी क्या हूं, और वापिस पहले के जैसा होना चाहता हूं, वो विचार आएगा ना प्रभु आप ठिकाना आ जाओगे। तो जब ये फैमिली मेंबर्स का आपको प्रेशर आता है, बी वेरी कॉर्डियल, बी वेरी नाइस विद देम, डोंट गिव एनी रिप्लाई इन ए रॉन्ग वे दैट द हाउस एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा, बी कॉर्डियल विद देम, बट इंटरनली बी वेरी स्ट्रांग बाय रिमेंबरिंग योर पास्ट लाइफ एंड हाउ जपा इज हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये थर्ड प्रॉब्लम आएगा। चौथा प्रॉब्लम जो है प्रभु जपा के अंदर आने से, तो आप कंसिस्टेंटली जैसे आप बहुत डिवोटीज जो है साल एक साल से कर रहे हो, चौथा प्रॉब्लम ये आएगा प्रभु आपका हेल्थ प्रॉब्लम में आएगा।
क्योंकि हमने ऐसी लाइफस्टाइल जिया ही नहीं है ना, कभी भी ऐसा लाइफ जिया नहीं है। रोज सुबह में उठना प्रभु, हम लोग का लाइफ तो क्या था मालूम है, रात को 11:30-12 बजे सोने का, कभी कभी 1 बजे सोने का, और 8 बजे उठने का, और 8:30-8 बजे काम पे चला जाने का, और फिर रास्ते में जपा करने का, दोपहर में लंच टाइम पे जपा करने का, रात को आने के बाद में बाकी का जपा करने का। ये हमारी लाइफस्टाइल थी। अभी इसके अंदर इतनी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है, 9 बजे सो जाना पड़ता है, 3 बजे उठने का पड़ता है, तो वो प्रभु हमारा बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाता है, और वो बॉडी एडजस्ट नहीं होने की वजह से जो है प्रभु आपका बॉडी कॉम्प्लिकेशन देते हैं, और फिर आपके फैमिली मेंबर्स ये सब लेकर के आपको मारते भी रहते हैं। देखो हमने बताया ना, देखो क्या हालत हो गई है, फैनेटिक हो गया ना, ये हो गया ना, ये हो गया, ये सब चीज होगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द जपा, यू टेक प्रॉपर रेस्ट, बट बॉडी इज गेटिंग टाइम टू गेट एडजस्टेड। उसके लिए क्या सोल्यूशन है प्रभु? उसके लिए सोल्यूशन प्रभु जी ऐसा है कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती रही है बॉडी के अंदर और बहुत प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आउट ऑफ 7 days एक दिन, प्लीज रिमेम्बर एक दिन, 1 day टेक रेस्ट, एक दिन ऐसा रेस्ट ले लीजिएगा कि जो है ना प्रभु आपको पूरी तरह से थकावट पूरी कर दे रहे। कभी क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रभु जी रात को लेट होता है तो भी सुबह में जपा करने आना पड़ता है, नींद कम हो जाती है, कभी कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाती है कि रात को आप जल्दी टाइम पे सो नहीं सकते हो, कोई हेल्थ इश्यू आता है, कहाँ कहाँ कोई फैमिली मैटर्स आ गया और फैमिली लंग बैठ जाए और आप खड़े नहीं हो सकते, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स आ जाता है, और अभी हमारे सबकी इंटरनेशनल मार्केट हो गया, हमारा रात को होता है, उधर लोग का दिन होता है, और लोग अपने को हैरान करते हैं, हैरान करते हैं। सो प्रभु ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस विल मेक सम प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड। एक दिन अगर पॉसिबल है तो छोड़ो ही मत, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वन डे गिव ए ऑफ। ऑफ में क्या होता है प्रभु, सुबह में अगर जपा नहीं करो, आप पूरा टाइम जो है आपको बराबर बॉडी को रेस्ट दे दो, और वो रेस्ट देने के बाद में फिर उठने के बाद में प्रभु देयर शुड बी नथिंग एल्स इन योर लाइफ फर्स्ट टू कंप्लीट ऑल योर राउंड्स एंड देन ओनली स्टार्ट योर डे, नथिंग एल्स, यू हैव टू प्रूव योर सिंसियरिटी टू कृष्णा। फिर उठने के बाद में, फिर वो जपा करने के बाद में आपका जो भी ड्यूटीज एक्टिविटीज है वो बैलेंस करो, तो वो हिसाब से अगर आपने उसमें बैलेंस कर लिया तो एक दिन आपने जो संघर्ष, एक दिन आपने एडजस्टमेंट किया, उसकी वजह से बाकी का 6 दिन वापस परफेक्टली स्मूथ जाएगा प्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, और आपकी थकावट भी खत्म हो जाएगी, आपका बॉडी भी जो है आपको सपोर्ट देने लगेगा, इन दिस वे इट कैन कंटिन्यू प्रभु जी, क्योंकि हमको अभी जिंदगी के अंतिम क्षण तक इस तरह से जीने का है। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज उसी हिसाब से जो है ना प्रभु, इफ इट इज पॉसिबल एक दिन छुट्टी ले लेना। So these are the 4 major problems. I'll repeat once again, Prabhu. Pahla monotonousness hoga. To overcome monotonousness is completely give your heart and soul in chanting the holy name and Krishna will reciprocate. Dusra jo hai, 3-4 din jo hai, ho sakta hai koi din apna koi problems aa jane ke wajah se aap 3-4 din aap japa karne nahi aaoge. To jab hi aap wapis aaoge, tab you have to give too much pressure to your mind and senses to come back on track. Aur agar aapne nahi kiya, to aap japa mein se hamesha ke liye nikal jaoge. और फिर एक बहुत बड़ी किक लगेगी कृष्णा की, तभी आप ठिकाने होंगे, और तब तक बहुत लंबा हो गया जाता है, हो जाता है। तो वो वापस लाने के लिए प्रभु टेक सम वेरी वेरी सीरियस कमिटमेंट इन योर जपा, दैट एट लीस्ट इन अ वीक दिस मेनी टाइम्स आई विल चांट, एंड इफ आई डोंट चांट आई विल डू दिस ऑस्टेरिटी इन माय लाइफ। माइंड को जो है ना ठिकाने लाने के लिए लकड़ी लगानी पड़ती है। तीसरा जो है फैमिली मेंबर्स का प्रेशर आएगा, तो यू हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन, पहला मेरी लाइफ क्या थी, अभी मेरे को वापस पहले की जैसी लाइफ करनी नहीं है। This is the way you can overcome it. But don't have any bad relationship. Don't be arrogant. Be very nice with them. Other family's atmosphere bigger jayega, to aapka japa bigger jayega. And fourth thing, your health ka problem aya because body is not getting adjusted. Take 1 day rest. But when you take rest, puri tarah se jo hai prabhu, uthne ke baad mein japa khatam karne ke baad mein day chalu karne ka, aur baki ka din jo hai wo barabar achha jayega. Baki ka 6 din, it will become very smooth. These are the 4 major problems that will be coming, and each and every devotee will be getting this problem. So, Prabhu, this is the way we can overcome it out. All I can say is, Prabhuji, I'm so grateful to all of you, Prabhu. So grateful. Prabhuji, what you have given us is something so exceptional. It is so exceptional. All I can say, because Prabhu, I'm a neophyte devotee, main khali sanghas kar raha hu. लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी मेरे को इंपॉर्टेंस हरि नाम का समझ में आया है ना, तो वो आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट, आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग हायर देन चैंटिंग द होली नेम, देयर इज नथिंग हायर स्पेसिफिकली इन दिस कलयुग। और ऐसा भी बातें नहीं कर रहा हूँ प्रभु, बहुत फटके खा करके बोल रहा हूँ,
There is nothing higher than holy name. एक बार वो होली नेम का आपको एक टेस्ट आ जाएगा ना प्रभु, लाइफ विल बिकम सो स्मूथ. इसलिए देयर इज वेरी वन लाइन सेंटेंस ऑफ राधानाथ महाराज प्रभु, एंड महाराज दैट गिव्स मी सो मच इंस्पिरेशन. एक राधानाथ महाराज जो बैगिंग हरिदास ठाकुर में एक वाक्य महाराज बोले हैं, महाराज सेड फॉर अ डिवोटी हु हैज गॉट द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस मटेरियल लाइफ इज सॉल्व्ड. क्या है ये सेंटेंस है प्रभु जी? All the problems in material life is solved for a person who has got a taste in chanting the holy name. क्यों? उसका ये मतलब नहीं कि externally वो problem solve हो जाएगा भाई हरि नाम करने से, लेकिन क्या होगा है प्रभु जी, एक बार वो टेस्ट आ जाने के बाद में, हरि नाम का टेस्ट आ जाने के बाद में प्रभु आपकी टेस्ट, वो टेस्ट की वजह से आपका जो है ना प्रभु, आपका आपका परम दृष्टि वर्तते टेस्ट इतना ऊंचा हो जाता है ना कि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम जो आपको लग रहे हैं ना कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपको लगेगा क्या टक्कू मक्कू प्रॉब्लम है, मेरे पास कृष्णा हृदय में आ गया है ना. एक बार कृष्णा हृदय में आ जाने के बाद में मेरे को ये सब प्रॉब्लम का कोई असर नहीं होगा. दिस इज द वे द ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी एबल टू सॉल्व. तो प्रभु टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली इन माई लाइफ. तुम ये बूढ़ा आदमी, 60 साल का आदमी बोल रहा है. तो बूढ़ा आदमी बोल रहा हूँ प्रभु, मैं ना अनुभव करके बोल रहा हूँ. There is nothing higher, nothing higher. The latest, Prabhu, the latest I can tell you, last week के अंदर मेरे को इतना सुंदर अनुभव हुआ है, इतना सुंदर अनुभव, मुझे इतना उत्साह मिल गया है उसकी वजह से. हमारे घर पे जो है एक राज परीक्षित प्रभु करके हमारे मेरे गुरु भाई है, वो जो है उनको वो ब्लाइंड है प्रभु जी, उनको दोनों आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति. इतना ब्लाइंड होने के बाद में भी उन्होंने सब एग्जाम्स पास किया है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े पोस्ट पे है. इज ए ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ब्लाइंड होने के बावजूद भी इतना स्ट्रांग आदमी है. उनका पिताजी जो है प्रभु, मेरे घर पे रोज सुबह में जपा करने आते. आज मैं नहीं आए क्योंकि टुडे आई हैव टू गो टू जीवी प्रभु, सो आई टोल्ड हिम यू डोंट कम बिकॉज मैं अभी आपको क्लास देने के बाद में भी जीवी चले जाने वाला हूँ. तो प्रभु वो रोज उनका लाइफ स्टाइल इस तरह से, वो सुबह में 2 बजे उठ जाते हैं. एवरी डे ही चैट ही गेट्स अप एट 1 o'clock, नॉट इवन 2 o'clock, 1 o'clock ही गेट्स अप एंड गोस टू स्लीप एट 8 o'clock. 1 बजे उठ जाते हैं, 1:30 बजे जो है स्नान करके वो जपा चालू करते हैं, 1:30 से 5 बजे तक 3.5 घंटे में पहली 32 माला कर लेते हैं. 1:30 से 5 बजे तक जो है प्रभु वो पहला 32 माला करते हैं और 5 बजे मेरे घर पे आते जपा करने के लिए. He was first staying in my building itself, अभी वो बाजू के बिल्डिंग में गए हैं. 5 बजे मेरे घर पे आते और 5 बजे से जो है 8 बजे तक, 8:30, 8:30 तक बैठ करके दूसरी 32 माला पूरी करते हैं. प्रभु एवरी डे बाय 8:30, 8:45 he completes his 64 rounds every day. और फिर आने के बाद में जो है प्रभु 8:30, 9:15 बजे, और दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट सो मेनी, एटलीस्ट कोविड में तो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, एवरी डे चांस. और फिर 8:30, 9 बजे घर पे जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर 2 घंटा सो जाएंगे, 12-1 बजे उठ करके फिर 3 घंटा जो है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, फिर जो है 4-5 बजे जो है थोड़े शॉपिंग करने जाएंगे, फिर शाम को आरती करेंगे और थोड़ा लाइट डिनर लेकर के 8 बजे सो जाएंगे और 1 बजे उठ जाएंगे. दिस इज एवरी डे शेड्यूल. नाउ उनके उनका लड़का राज परीक्षित, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु आई वॉन्टेड टू से, राज परीक्षित प्रभु को ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर हुआ है और वो ट्यूमर की वजह से उनको लगा कि ये क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. वैसे भी उनका हेल्थ इतना खराब है, तो बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद में फाइनली ऑल द डॉक्टर्स हैव डिसाइडेड इन दैट उनका ब्रेन का बायोप्सी करना पड़ेगा. अभी टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, ये बायोप्सी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. वो ब्रेन में से कोई पार्ट निकालते हैं वो लोग, और वो पार्ट निकालने के बाद में फिर उनका उनका यूरिन में से कुछ निकालते हैं, यूरिन का जो पाइप होता है उसमें से निकालते हैं. सब इतना कॉम्प्लिकेशन होता है प्रभु, इतना पेनफुल होता है. उनको बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर प्रभु जी पिछले हफ्ते में उनको एडमिट किया गया 2 दिन के लिए, और इतना पेनफुल था, इतना जो देखेंगे उसको भी टेंशन आने लगता है. वो व्यक्ति, उनके पिताजी उनको सामने बैठ नहीं सकते थे, ही कुड नॉट सी हिम, लेकिन इतना पेन होने के बाद में उनके वाइफ जो उनके साथ में बैठी थी, तो उन्होंने अपने राजपरीक्षित प्रभु ने अपनी वाइफ को बुलाया कि उनको पिताजी को बुलाओ अंदर. पिताजी को अंदर बुलाने के बाद में जो है ये राजपरीक्षित प्रभु का कहना था, प्रभु एंड इट हैज इंस्पायर्ड मी सो मच इन माय लाइफ. उन्होंने अपने पिताजी को हाथ, दोनों हाथ पकड़ करके बोला कि पापा मैं बहुत फिजिकली, मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं किस तरह से जीऊंगा, मैं किस तरह से ये चल रहा है.
लेकिन द ओनली सोलेस आई एम गेटिंग राइट नाउ इज हरिनाम। हरिनाम होने की वजह से मैं जो है ये स्थिति के अंदर भी आई एम ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन, आई एम ब्लिसफुल राइट नाउ फ्रॉम विद इन। और उन्होंने जो है अपने पिताजी का दोनों हाथ पकड़ करके कहा कि आप जो कर रहे हो ना उससे मेहरबानी करके जिंदगी के अंतिम क्षण तक छोड़ना नहीं। मैं ये बता सकता हूं कि इतना पेन के अंदर भी मैं ब्लिसफुल रह सकता हूं, मृत्यु वक्त में भी मैं इसी तरह से चला जाऊंगा। प्रभु इट इंस्पायर्ड मी सो मच प्रभु, क्योंकि राज परीक्षित प्रभु इज अवर गॉड ब्रदर, वेरी सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो जब ये अनुभव बताया मुझे तो आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड प्रभु, अभी कैलाश वीक की बात है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हरिनाम, डोंट टेक इट एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, टेक दिस थिंग एज योर लाइफ एंड सोल इन योर लाइफ। प्रभु आपके जब कोई आपके सामने नहीं रहेगा ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा ना, तब ये हरिनाम आपको सपोर्ट देकर आपको खींच करके लेके जाएगा। दिस इज वॉट होली नाम इज गिविंग अस, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल प्रभु, दिस विल हैपन। सो मेरा आज जो है प्रभु टुडे व्हेन वी आर चैंटिंग अवर 32 राउंड्स टुडे, सॉरी प्रभु आई विल बी लीविंग फॉर जीनी, सो प्रभु प्लीज फॉरगिव मी, आई वोंट बी एबल टू जॉइन विद यू, आई विल बी चैंटिंग ऑन द रोड नाउ। So, but Prabhu, when you are chanting, just pray to Krishna. Krishna, do anything in my life. Anything. Subject to Prabhu. It is difficult to say this thing. But a genuine devotee hoga na, uske andar ye conviction aana chahiye. Krishna, kuch bhi kar mere life ke andar. But in exchange, mere ko taste de de Hari Naam ka. Mujhe ek taste de de Hari Naam ka. Agar wo taste agar mere ko Hari Naam ka mil jayega na, phir kitna bhi problems hoga na, I'll be able to transcend it out. लेकिन अगर हरि नाम का टेस्ट नहीं और दूसरी सब चीज हो गई ना, तो वो मेरे को दुखी करता रहे। Give me that taste in chanting the holy name. और जैसा वो टेस्ट मेरे को होएगा, तो ये कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में होगा ना, जैसे महाराज बता रहे हैं, there is no problem only in this material world because you are able to transcend it out. तो प्रभु वो मेरे को वो टेस्ट चाहिए हरि नाम का। प्लीज गिव मी दैट टेस्ट इन चार्टिंग द होली नेम, जिससे जो है प्रभु माई फोकस ऑल्सो विल बी वेरी क्लियर। तो मुझे समझ में आएगा ये जगह एकदम बेकार जगह पे मैं फंस गया हूँ, थोड़ी इंद्रतृप्ति मैंने किया, वो इंद्रतृप्ति से मैं ऐसा फंस गया कि मैं रह भी नहीं सकता और मार भी नहीं कर सकता हूँ। क्या हालत हो गई है मेरी लाइफ में और सब चीज चला जाने वाला है, कहाँ मेरा हृदय देने जैसा जगह। दिस कन्विक्शन विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, और फिर आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज होगा, मुझे अभी कृष्ण ही चाहिए, आई वॉन्ट कृष्ण एट एनी कॉस्ट। बस बहुत पक गया है अभी, दुनिया में बहुत फटके खा लिया मैंने, मैंने बहुत फटके खाए, और ये फटका खाने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मैं कृष्णा से भाग गया था। अब मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आकर के अभी बराबर ठिकाने आ जाना है। दिस कन्विक्शन विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू बैक फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम। तो प्रभु विल चैंट ऑन दैट बेसिस, एंड फाइनली प्रभु आई कैन टेल यू इज प्रभु I would like to touch each and every devotee's feet. I'm saying it from the heart, Prabhu. I would like to touch each and every devotee's feet. I cannot, I'm sitting here, Prabhu. But you have helped me so much in my Krishna consciousness. Every day in the morning when I see all of you, I get so much inspired. ये इतना अच्छा लगता है कि जो है ये भक्त लोग जो है मेरे कृष्ण भक्ति को कितना उत्साह दे रहे हैं। So, Prabhu, I wanted to touch each and every devotee's feet. And begging each and every devotee is Prabhuji, ki mera dhyan rakhna, mujhe nikal mat dena Prabhuji, main bahut rough and tough devotee hu, kuch bhi bolta hu, kuch bhi bhakta hu, aur uske wajah se maine aapke pure ek saal ke andar itne sab classes diye na, aapka hriday ko bahut chot bhi laga hoga, mujhe maaf kar dena, mujhe aapke saath mein rakhna Prabhu, mujhe nikal mat dena. If I go, if you take me out, where will I go? I need devotees, Prabhu. I need such a wonderful devotees in my life where I can be with all of them, maintain my Krishna consciousness. So much grateful to each and every devotee. Please help me in my Krishna consciousness, Prabhu. I'm so much dependable on all of you. So, Prabhu, my humble request is, please pray for me that I also get the taste in chanting the holy name. And we can maintain this standard more and more. And Prabhu, my humble request is that also. जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ,
अच्छी चीज ज्यादा टिकती नहीं है. वी विल ट्राई फ्रॉम माय साइड टू प्रभु, आई विल ट्राई एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज आल्सो टू प्लीज देखे कि ये चला रहा है. लेकिन प्रभु मेरा मेरा देखा है मेरे मेरा 30-35 साल का कृष्णा भावनामृत के अंदर कि ज्यादा दिन टिकती नहीं है. अच्छा चीज ज्यादा दिन टिकता नहीं है प्रभु. और जब अच्छा दिन ज्यादा टिकता नहीं है तो हमको अभी एक ऐसा स्टेज लाता ही एक अंदर से उत्साह बनाते रहना है कि अगर यू विल ट्राई टू सी दैट वी स्टे टुगेदर, लेकिन अगर ये प्रोग्राम चला नहीं, ये हम नहीं कर पाए, तो प्रभु हमारा स्टेज मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस का चांटिंग का इतना सुंदर हो जाना चाहिए कि हम यही लाइफ स्टाइल जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन कर पा रहे. प्लीज डू दिस इन योर लाइफ, डोंट कॉम्प्रोमाइज प्रभु. बहुत ऊंची चीज मिली है, टेक माई वर्ड्स प्रभु. एक बूढ़ा आदमी अभी बोल रहा है अनुभव के साथ में, बहुत ऊंचा चीज है ये. इससे ऊंचा चीज है ही नहीं जीवन में, कुछ ऊंचा चीज नहीं है जीवन में. तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज डोंट टेक दिस चीपली, मैं सीरियसली ले लेना लाइफ में, एंड टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ एंड मेक इट वेरी स्टेबल इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड फाइनली आई हैव टू रिक्वेस्ट, आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली प्रभु, ये प्रोग्राम जो है ना प्रभु, ये सब डिवोटीज जो है ना, हमारे मैनेजमेंट वाले जो डिवोटीज है ना, ये सब लोगों ने मेंटेन किया. अगर ये लोग नहीं होते थे ना प्रभु, आई कैन टेल यू, मैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता प्रभु. मैं अनपढ़ आदमी, एक टेक्नोलॉजी ये सब मेरे माइंड में ही नहीं जाता. मैं हमेशा विचार करता हूँ, हमारे जो हमारे मंदिर के डॉक्टर्स आते हैं ना, उनको मैं मेरे फाइनेंस की बातें करता हूँ, तो बोलते कुछ जाता ही नहीं अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आता अंदर क्या हो, तुम क्या करते हो. उसी हिसाब से मुझे भी एक टेक्नोलॉजी तो अंदर जाता ही नहीं है कुछ भी. तो प्रभु दिस ऑल दिस डिवोटीज ना, विपुल प्रभु, पार्थ गोविंद प्रभु, प्रसाद प्रभु, देव ऋषि प्रभु, वो पवन प्रभु, ये सब डिवोटीज ने जो है प्रभु जी इतना जो है कितना कंसिस्टेंटली मेहनत करके जो है मेंटेन किया है प्रोग्राम प्रभु. वी हैव मेंटेन सो सीरियसली दिस प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम मेंटेन करने की वजह से जो है इट हैज बिकम सच ए नाइस वे प्रभु. आई कैन टेल यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट प्रभु, अगर ये प्रोग्राम जो है प्रभु, अगर दिस ये लोग का सपोर्ट नहीं होता था ना, इट इज इम्पॉसिबल वी कैन कंटिन्यू, इट इज इम्पॉसिबल वी कैनॉट कंटिन्यू प्रभु, वी कैनॉट कंटिन्यू. मैं तो सीधा ही बोल देता था, मैं हमेशा विपुल को बोलता हूँ, जिस दिन तुम बोलेगे ना प्रभु मेरे से नहीं होता है, उस दिन हम दुकान बंद कर देना पड़ेगा हमको, तो मुझे तो कुछ अक्कल ही नहीं है, आप जैसा बोलते हैं मैं काम करता रहता हूँ. सो प्रभु आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी मैनेजमेंट डिवोटीज, सो मच. वो भयंदर वाला डिवोटी नाउ आई थिंक मोहित प्रभु, ही नॉट कमिंग, आई थिंक हिज एग्जाम और समथिंग, बट ही हैज आल्सो हेल्प्ड अस सो मच. Each and every devotee, this management devotee, I'm really touching the each and every devotee's feet and saying thank you from the core of my heart that you are doing such a wonderful service, Prabhu. Such a wonderful service. Just because of this program, Prabhuji, definitely you will realize it, Prabhu. ये जो सेवा जो कर रहे हो ना, इतने भक्तों का आशीर्वाद मिल रहा है, Prabhu, उनका nourishment इतना सुंदर हो रहा है. If possible, keep this as a priority because all are doing selflessly. Prabhu, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे लोगों को कुछ नहीं चाहिए. Everybody is doing selfless service. So, Prabhu, please, please continue, please. And most important thing which I wanted to say finally is, Prabhu, this program is exclusively only for one purpose. Exclusively only for one purpose. And what is that purpose, Prabhu? That we wanted to see that we advance in Krishna consciousness. We nourish ourselves so nicely in Krishna consciousness. We help each other in so much nice in Krishna consciousness as getting a serious taste in chanting the holy name. And that is our life's goal. There is no goal. Only Krishna katha, Harinam, and Vaishnava ka seva selflessly karna. There is no motive. And I repeat once again, Prabhu. I repeat once again, Prabhu. I'm saying it from my heart, Prabhu. I repeat it. We have no other object. हमको कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है प्रभु. देर आर सो मेनी डिवोटीज इन अवर इस्कॉन, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ अदर सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बना रहे हैं. हमको हमारा औकात ही नहीं है, हम लोग कैपेबल नहीं है, हमारे लिए यही स्टैंडर्ड है, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. दे आर ग्रेट सोल्स, लेट देम डू इट एवरीथिंग प्रॉपरली. वी कैनॉट डू इट प्रभु. हमारा खाली हम साथ में रहेंगे, अच्छा तरह से सीरियसली जपा करेंगे, अच्छा कृष्ण कथा सुनेंगे और वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली करते रहेंगे. दिस इज अवर ओनली मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम. वी डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स फ्रॉम एनीबडी.
take my words. I'm speaking very thoroughly and from my heart itself. I'm speaking. We don't want anything, and we don't have any projects also. Our projects is only one thing. All of them coming together and chant and get a taste in chanting the holy name so much. It doesn't mean the age increases, the taste also increases. Itna increase hote jave ke life mein fir ek hi goal hove. Hari Naam is everything. Everything else is secondary. This is our goal. So Prabhu, once again, thank you very much